सो ब्रो अली वेलकम टू दिस अमेजिंग पॉडकास्ट वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आज तो बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। यस और पहले हमारा एक गेस्ट होता था, आज हमारे मल्टीपल गेस्ट। यस और बड़े नंबर कर दिया। यस और बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा इनके साथ, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। एंड द पॉइंट इज के कैसे गेस्ट हैं जो बीच में बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बच्चों। माशाल्लाह यू गॉट 30 पॉइंट्स, 30 नेकियां। माशाल्लाह क्या हाल आप सबका? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बारकल्लाह फीकुम। अच्छा आज सिंस चांद रात है और कल इंशाल्लाह ईद का दिन है, तो ये बताइए कि पहले तो बताएं रमजान कैसा गुजरा आप लोगों का? बहुत अच्छा। हम रोजे भी रखते हैं। अच्छा और क्या क्या करते हैं? अफ्तारी और सहरी लाजमी करती है। अच्छा मुश्किल होता है लेकिन मेरे कल 10 हो जाएंगे पूरे रोजे। माशाल्लाह और वो रोजे जो है वो फजर पे शुरू होता है, जोर पे खत्म होता है ना? हाँ और जोर पे शुरू होता है फिर असर पे खत्म होता है आप लोगों का रोजा है ना? कितने बजे इफ्तार करते हो आप मुस्तफा? पहली जोर से मगरिब तक। अच्छा तो क्या किया रमजान में आप लोगों ने? हमने बहुत खेला, खाना खाया। अच्छा एक्टिविटीज क्या की? एक्टिविटीज कर्लिंग की, पेंटिंग की। अच्छा मैं अब्दुल्ला के घर गया। अब्दुल्ला के घर भी गए थे, क्या किया वहाँ पे? खेला। अच्छा कोई अच्छे काम भी किए यानी इबादत? कैसे सकते रोजा लगता है गर्मियों में तो। साथ ही कितने रोजे रखे? साद ने बहुत ज्यादा रोजे रखे हमारे। नहीं रखे उसने, 60 रोजे रखे हैं साद। एक भी नहीं रखा उसने तो। 100 रोजे रखे अल्लाह बाबू ने तो एक भी नहीं रखा। चलो नियत आपको 100 रोजों की मिल गई है। अच्छा ये बताएं तरावियां किसने पढ़ी? मैंने। अच्छा अच्छा मैंने पढ़ी नहीं, मैंने अपने मैंने ना मामा के साथ घर में पढ़ी। हां मामा के साथ घर में क्या? मैंने मस्जिद में माशाल्लाह और मैंने इत्तेकाफ में। अच्छा ये बताइए कि इत्तेकाफ ये देखिए आप जो सुन रहे हैं एतकाफ में तरावियां पढ़ना बड़ा ज़रूरी है माशाल्लाह। और अफ्तारी के टाइम जो दुआ पढ़ते हैं अफ्तारी वो बाद अजर आ गया माशाल्लाह। अच्छा इतने इफ्तारी से पहले पढ़ते हैं या उसके बाद पढ़ते हैं? बाद। लेकिन जो लोग इफ्तारी से पहले पढ़ लेते हैं वो उनका गुनाह होता है, उनको खाना ही नहीं उनको गुनाह मिलता है, उनको गुनाह मिलता है, गुनाह मिलता है और वो लोग शैतान होते हैं। प्लीज डोंट कोट अस ऑन यू नो द हदीस और ये फतावा लगा रहे हैं। यही कह रहे वो लोग शैतान होते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं होता, लेकिन वो होते इंसान है लेकिन पढ़ना बाद में चाहिए इंशाल्लाह, पढ़ना बाद में चाहिए। अच्छा तो ये बताइए कि कल ईद है, ईद के दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? पहले अब्दुल्ला बताएं। वो नहाते थे अच्छी तरह, साबुन लगाते थे, फिर अच्छी तरह कपड़े अच्छे से कपड़े पहनते थे। और ठीक है आप मुस्तफा बताएं बाकी चीजें। मुस्तफा बताएं इधर से वो वेरी गुड है ना। और क्या करते थे? और वो कुछ खाते भी थे और वो नहीं नमाज जाने से पहले ना 8 नंबर खजूर खाते थे। वेरी गुड या और क्या करते थे आप बताएं? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मतलब और क्या सुना था? और फिर घर को डेकोरेट करते थे। और साथ और क्या करते थे? ईद के दिन सेलिब्रेशंस का दिन है राइट। और आपको पता है प्रॉफिट सल्लम एक दफा लेटे हुए थे और उनके घर पे ना छोटी बच्चियां दफ बजा रही थीं और अब हज़रत बकर आए और उन्होंने कहा कि तुम प्रॉफिट के घर में यानी दफ बजा रहे हो, तो प्रॉफिट ने कहा इनको बजाने दो, आज खुशी का दिन है, ईद का दिन है। डांटा था हाँ बच्चों को ना, लेकिन दफ बजा सकते हैं क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वैसे जायज नहीं है, हम लोग म्यूजिक नहीं सुनते होते क्योंकि अल्लाह पाक को म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। तो दफ म्यूजिक तो ना फनी वाली बात ना, दफ दफ म्यूजिक क्यों नहीं लगता? दफ क्योंकि डिफरेंट होता है ना, दफ
भी ऐसे होते हैं, ऐसे उसमें डंग डंग बोल। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डफ अलाउ किया ना, इसलिए फिर हम सिर्फ डफ पे जाते हैं। एग्जैक्टली। और म्यूजिक के लिए ये पता है ईद के दिन जो मेरे लिए भी डफ पता है, रोजा क्यों रखते हैं हम लोग, रोजे का मकसद क्या होता है? अल्लाह पाक हमसे खुश होते हैं। मैंने डफ बजाया और हमें अजर बहुत देते हैं अल्लाह पाक। अच्छा, और भी आप शेयर करें, मुस्तफा आप भी शेयर करें। क्योंकि रमजान के दिन अगर रोजे रखे तो हमें सवाब भी मिलता है, सवाब भी बहुत मिलता है। अच्छा चले ये बताएं, ईद के दिन वैसे हम लोग घरों में क्या क्या, हमें घरों में क्या क्या करना चाहिए, हाउ टू सेलिब्रेट ईद डे, कैसे करना चाहिए, सोते हुए गुजारना चाहिए, लाइटें, तारों वाली लाइटें, लाइट के कलर्स, लाइट लाइट के कलर्स मिक्स करते हैं, डेकोरेट करते हैं घर को, डेकोरेट करते हैं घर को। अच्छा, घर में बलून्स लगाते हैं, बलून्स भी लगाते हैं। ये बताएं कि कॉफी और पिज्जा। अच्छा, ये जो ऑडियंस जो हमें देख रही है, हम ये शो करने का मकसद ये भी है कि आप लोगों से हम ये शेयर करें कि जब इन बच्चों को हम देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं, तो डेफिनेटली अगर हमें फ़लस्तीनी बच्चे याद नहीं आ रहे, उनके दुख, उन पे जो मजालिम डाले जा रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहे, तो फिर हम उम्मत नहीं हैं, हमारा उम्मत का जो एक मकसद है वो फौत हो जाता है। सो द पॉइंट इज़ कि हमें उनको अपने दुआ में याद रखना है, उनका उनके लिए इन बच्चों को देख के डेफिनेटली सेलिब्रेट भी करना है। ईद के दिन हम उदास होकर नहीं गुजार सकते, लेकिन ईद के दिन जो खुशी का दिन है, लेकिन दीज किड्स शुड रिमाइंड अस अबाउट द किड्स इन फ़लस्तीन। डेफिनेटली ये उनसे बिल्कुल बेहतर नहीं है, इन फैक्ट वो ज़्यादा बेहतर हैं। क्यों? क्योंकि वो अलकुद्स में हैं, वो नोबल जगहों पर हैं और वो सफरिंग्स में हैं, तो हमें कैसे से उनको याद भी रखना चाहिए इंशाल्लाह। तो क्या 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 ख्याल आप लोग का इस बारे में? मैं एक बात बताना चाहती हूं। जी जी। इसराइल वो जो क्या कहते हैं, इसराइल इसराइल अल इस्लाम, यहूदी जो इसराइल में यहूदी होते हैं, वो उस मुल्क का नाम क्या था? आदम अल इस्लाम। फिलिस्तीन की बात, फिलिस्तीन में ना इसराइल लोगों को, औरतों को और बच्चों को बहुत मारता था। अच्छा, तो ना ईद के दिन हमने उनके लिए बहुत दुआएं करनी है और अपनी तरफ से उनको पैसे भी भेजने। अच्छा, पैसे कैसे भेजेंगे ये बताएं? अगर कोई उनसे मिलने जा रहा हो तो हम उनको कहें ये हमारी तरफ से उनको पैसे दे दे। हाँ, उनकी यानी उनको ईदी भेजने चाहिए, दोनों से पोस्ट भी कर सकते हैं, तो हमें डोनेशंस भी करनी चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट द चिल्ड्रन वुमेन मैन ऑफ फलस्तीन जो कि इस टाइम जुल्म का शिकार हैं, राइट? अगर हम भूल गए तो हमारे हमें सवाब भी नहीं मिला, और अगर हम उनको याद रखें तो फिर हम उनके लिए दुआएं भी कर सकते हैं और हम उनके लिए नमाज भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा बताइए बच्चों, साथ से शुरू करते हैं या से जो भी आप में से रिप्लाई करें। अच्छा चले हन्ना से, आपका सबसे फेवरेट प्रॉफिट कौन है? आदम अलैहि सलाम। आदम अलैहि सलाम क्यों? क्या थे? बाबा हमारे। वो आपके बाबा थे? अच्छा माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, आपको याहिया अच्छे लगते हैं, क्यों? क्योंकि इनके बड़े भाई के नाम याहिया ना। याहिया अलैहि सलाम। अच्छा माशाल्लाह, और याहिया को? याहिया आपको कौन से प्रॉफिट अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा? याहिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों अच्छे लगते हैं सबसे ज्यादा? हां, उन्हें कुरान पिलाया था। मुस्तफा, आपको सबसे फेवरेट प्रॉफिट कौन से हैं आपके? मुस्तफा दो बच्चे हैं, कौन? अच्छा, और थोड़ा सा ऊंचा भी बोले और बताएं वो कौन थे? वो अबू जहल को किल किया था। अच्छा, वो कैसे किया था? अबू जहल था कौन, क्या करता था वो? फिरौन कहता था। अच्छा, और अब्दुल्ला आपके आपके सबसे मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सबसे बेस्ट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि
और सबसे बेस्ट नबी थे राइट। अच्छा सहाबा के बारे में आपके फेवरेट सहाबी कौन है? खालिद वलीद, फाइटर थे, सबसे ब्रेव थे। उनके बारे में सैफ मिन सुयूफिल्लाह, वो अल्लाह ताला की तलवारों में से एक तलवार थी जी। उन्होंने बैग में ना पत्थर डाल के रखा होता तो उन्होंने लोगों के ऊपर फेंका, वो मर गए सारे। अच्छा बाबा, अच्छा नई नई चीजें सीखने को मिल रही है आज हमें। और मेरी सबसे नबी नहीं, सबसे फेवरेट सहाबी कौन है? मेरे सबसे फेवरेट सहाबी हैं हजरत अली। अली क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे क्योंकि बाबा का नाम अली है। और उन्हें ना वो नमाज पढ़ रहे थे और किसी गंदे बंदे ने आके उनको मार दिया, उनको शहीद कर दिया था। यानी वो नमाज पढ़ते पढ़ते उनको शहादत मिली ना। हजरत अली और हजरत हसन और हजरत हुसैन की ये फादर भी थे, प्रॉफिट की बेटी जो है ना इनकी वाइफ थी फातिमा, उनको डिलीट कर दिया रदियल्लाहु तआला अन्हा। यहाँ मुस्तफा के फेवरेट सहाबी कौन से हैं? सेम यानी हजरत अली। हैवी वाला दरवाजा खैबर का राइट, वो दरवाजा उठा के फेंक दिया था। और उनकी 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 मदर ने उनका निकनेम क्या रखा था किसको पता है? ट्रिकी क्वेश्चन। हजरत अली का उनकी मदर इसको पता है। हजरत उनकी वालदा ने उनका निकनेम क्या रखा था हजरत अली का? हजरत वो अपने कहते थे कि अनल लजी समतनी उम्मी हैदरा, तो हैदर रखा था उन्होंने नाम उनका। यानी हैदर मीन शेर। एग्जैक्टली शेर। अच्छा और ये बताएं कि बाइक से पसंद है? मुझे 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 कौन सा बाइक पसंद है? बैक 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 ओके ओके। अच्छा राइट से शुरू करते हैं। साथ आपको बाइक कौन सा अच्छा लगता है? मुझे स्पोर्ट्स, मुझे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बाइक। आपके फादर को तो यू नो ड्यूल स्पोर्ट पसंद है, यानी ट्रेल बाइक पसंद है। आपको स्पोर्ट्स क्यों? ड्यूल स्पोर्ट्स नहीं। नहीं चलो जी आप कैंसिल हो गए हैं। इनको एग्जॉस्ट पसंद है। अच्छा आवाज पसंद है बाबा का। ड्यूल स्पोर्ट्स है। हाँ और हन्ना को कौन कहते रहते हैं कि बाबा ये आप बेच के दूसरा लेंगे की आवाज ज्यादा। मुझे बनेली, मुझे बनेली बाबा का बाइक। आपको बनेली पसंद है बाबा वाला ना? और मुस्तफा को? मेरे चाचू का हैवी बाइक है। अच्छा चाचू का हैवी बाइक है, यानी असुन का राइट। वो तो मामू है आपके? मामू नहीं है ना। अच्छा ओके। अच्छा बताइए जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या आज आपको आपको बाइक कौन सा पसंद है? स्पोर्ट्स सवाल कर रहा था फनी चीज सवाल करे कोई सुना सबसे सुनेंगे अच्छा वेट साथ आप सोच लें साथ आप सोच लें कौन सी आपने पहले कोई हदीस सुनाए ताकि अल्लाह का तकवा इख्तियार करें आप जहाँ भी हैं। कोई और हदीस जी जी सुनाए ना आप। अच्छा माशाल्लाह तुम्हें से बेहतरीन वो है जो कि कुरान सीखे और सिखाए। मुस्तफा कोई आप देख रहे हैं अल्लाह अकबर ब्यूटीफुल माशाल्लाह माशाल्लाह बारकल्लाह फी। आपको सूरत सुनाए और मैंने इस बाइक से खेलना है। चलें आप सूरह चलें ये शुरू करें पढ़ना भूल गए थे ना? क्यों पढ़ने चाहिए आउज़ु बिल्लाह? क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है पैदा करातुल कुरान फस्ताइस बिल्लाह आउज़ु बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम जबरदस्त माशाल्लाह। और यहाँ कोई सूरत सुना दे
بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك. بابي یہ تو مریم کو بھی آتی ہے اتنی چھوٹی ہے. ما شاء الله کتنا انجوائے کیا آپ لوگوں نے ہے نا کتنا مزہ آیا مجھے بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے جس کو مزہ آیا ہاتھ کھڑا کریں سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک شیخ علی اللہ قبول فرمائے بیچ میں مجھے چھینک کی آواز آئی تھی کسی کی کس نے مارتی اچھا کیا کرنا چاہیے جب چھینک آئے تو الحمدللہ پہلے تو چھینک مارنی چاہیے ہاں پہلے چھینک مارنی چاہیے چھینک روکنی نہیں چاہیے پہلے الحمدللہ کہنا چاہیے پھر چھینک مارنی چاہیے چھینک کس کی طرف سے ہے ریکارڈنگ بند ہو گئی میری طرف سے میری طرف سے یعنی شیطان شیطان نہیں وہ تو باسی ہے شیطان کی طرف سے نہیں یار چلے چھینک جب آئے تو کیا کرنا چاہیے الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور منہ کو ایسے کھول کے چھینک مارنی چاہیے ایسے بابا ایسے اچھا اور جس کو چھینک ہے وہ کیا بولے الحمدللہ الحمدللہ اور جو سن رہا وہ کیا بولے یا اللہ کیا اچھا یہ جواب دینا چاہیے اباسی پہ کیا کرنا چاہیے رائٹ ہینڈ سے ویری گڈ اچھا رائٹ ہینڈ سے نا یہ بتائے سارے بتائے کہ رائٹ سے منہ کور کرنا چاہیے جب اباسی ہے تو یا لیفٹ سے سیدھا یا اپوزٹ سیدھا اور ناک کو آپ نے کیوں پکڑا عبداللہ کیونکہ پروفٹ پہ کرتے تھے پروفٹ کبھی اباسی آئی جی ان کو نہیں پروفٹ کو آج تک اباسی نہیں آئی کیونکہ شیطان ان پہ حاوی نہیں ہوتا تھا تو وہ روکتے تھے اچھا اوکے لاسٹ جاتے جاتے آپ لوگ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے پہلے عبداللہ سے پھر یہاں پہ انشاءاللہ باقی سارے سب اس میں کروں گا یہاں سے انشاءاللہ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا میسج جو فائنل میسج دعویٰ کیا دعوت میں دعویٰ کا میسج دینا چاہتے ہیں فلسطین ایک مسلمانوں کی ملک ہے جس میں عورتیں رہتی ہیں لوگ رہتے ہیں تو اسرائیل جو ہے نا ابھی بھی ان کو اس ملک پہ نا اور جن لوگوں نے پردہ کیا ہوگا ان کا پردہ اتار دیا ہوگا جن کی سکن بہت اچھی ہوگی ان کا پردہ اتار دیا ہوگا ان کو مار دیا ہوں گے بچوں کو گولی سے مارے ہوں گے اور اسرائیل جو ہے نا میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اتنی دعائیں کروں کہ جو اسرائیل ہے نا وہ مر جائے اسرائیل کیونکہ بہت سے پاکستان کو مار رہے اور مسلمانوں کو اتنا عذاب دے رہے کہ مسلمان مر رہے بہت زیادہ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے یا اگر ہدایت ان کی نصیب نہیں لکھی تو پھر وہ تباہ و برباد کر دیں ہاں اکثر مسجد کو بھی تباہ کیا ہے ایگزیکٹلی گڈ میسج جزاک اللہ خیر اچھا آپ لوگ بھی یا میں نے کچھ نہیں دینا ٹھیک ہے یا میں نے بھی مصطفیٰ اچھا سے میسج دیں انشاءاللہ ہاں آپ وہ سنائیں وہ جو آپ سنائیں نا کبھی مصطفیٰ ایک بہترین سا ہمیں نا پوئٹری سناتے ہیں میں دوں گا ٹھیک ہے جی مصطفیٰ تبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے اور بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور علم سے اور برکتوں سے نوازے بچے ہیں خواتین و حضرات بچے شور ہلا گلا مچھی تو کرتے ہیں وی ایکسپیکٹ دا سیم فرام دیم لیکن انشاء اللہ دا پوائنٹ از کہ ایک تو اپنے بچوں سے بانڈنگ بڑھائیں محبت کریں ان کو کانفیڈینس دیں جس طرح سے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح دیکھیں اور ان کو ان کے اندر جو امت مسلمہ کا جو غم ہے ان کی جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ بھی ان کو بتاتے رہیں تاکہ یہ ایز این امہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ